बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रेड ऑमलेट यूनिक स्टाइल का बनाने जा रहे हैं। जल्दी से बनेगा, 5 मिनट्स की रेसिपी है। बहुत ही क्विक ये ब्रेकफास्ट है। जल्दी से देखिएगा पूरी वीडियो। बहुत ही जल्दी हमारा ब्रेड ऑमलेट बनने वाला है। हमने एक अंडा लिया, इसमें अब हम हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे। ये मैं बस एक चुटकी नमक डाल रही हूँ। रेड चिली भी हमने एक चुटकी ही डाली है। काली मिर्च भी हम एक चुटकी ही डालेंगे। आप अपने ज़ायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप तेज़ डाल लीजिए। अब इसके साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च वो डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर देते हैं और अपना ब्रेड ऑमलेट झटपट से तैयार करते हैं। इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, एक ब्रेड को मैंने एक कटर के साथ काट लिया है। किसी भी शेप का कटर आप ले लीजिए। अगर सिंपल आप गोल कटर यूज़ करना चाहते हैं तो किसी भी बॉटल का ढक्कन लेकर उससे आप इस तरह से ब्रेड के अंदर सुराख कर लीजिए। ये दोनों पीस हमारे यूज़ होंगे। अब हम एक तवे पर एक खाने के चम्मच देसी घी या बटर डाल देंगे, या कोई सा भी आप ऑयल घी आप डाल लीजिए। बहुत ही मज़े का ये नाश्ता बनने जा रहा है, ये देखिए, और बहुत ही झटपट बनने जा रहा है। अब ये हमने अपना स्लाइस वो इस तरह से तवे के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर हम अपना जो मिक्सचर होगा वो डाल लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हम बचा लेंगे, बाकी का मिक्सचर हमने ये डाल दिया और थोड़ी देर अब हम इसको पकने देंगे। थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इसके ऊपर ये अपना पीस ब्रेड का जो निकाला था वो फिट कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसका जो है अंदर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फिट हो जाए। ऐसे आपने दबा देना है और इसको थोड़ा सा पकने देना है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो ब्रेड ऑमलेट हमारा रेडी हो रहा है। अब बाकी का जो मिक्सचर है वो हम सारा इसके ऊपर फैला कर इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत प्यारी सी लुक इस टोस्ट की आ जाएगी। इस तरह से आप ये फैला के डाल दीजिए। अगर आपको लगे तो आप बटर थोड़ा सा और डाल लीजिए। ये मज़ेदार सा हमारा टोस्ट रेडी होने वाला है। अब इसकी साइड चेंज कर लीजिए और इसको फिर से एक दफ़ा दूसरी जो हमारी पहली साइड थी उसकी तरफ से एक दफ़ा थोड़ा सा और टोस्ट कर लीजिए ताकि कच्चा अंडा सारा पक जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये साइड भी हमारी अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो गई है। हमारा जो है ब्रेड टोस्ट वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, जायके में भी बहुत अच्छा है। अब इसको काट कर देखते हैं। मज़ेदार सा टोस्ट अब हम काटने जा रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नाश्ता और झटपट, ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।